माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक नम्मा पिंड चौक चालंदर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। तो वहीं सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रोबिन चौहान से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सब परिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। वही सिद्धमा बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित माँ भक्तों को अमृत वचनों का व्याख्यान करते हुए कहा कि गो सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है व गो सेवा से यश कीर्ति सौभाग्य का द्वार खुलता है। इस अवसर पर समीर कपूर, मनीष शर्मा, राकेश शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, रिंकू सैनी, सुखा, अमनदीप, चेतन अरोड़ा, अवतार सैनी, गौरी, केतन शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमः। जय माँ बगलामुखी जी। आज माँ बगलामुखी धाम जी दे पावन द्वार माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जलंधर च महामाई दे निमित्त साप्ताहिक जिहड़ा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़ी बुड़ी दूरों आई हुई संगत ने महामाई के दरबार च पहुँच के हवन यज्ञ आहुतियां डालिया और जगदंबा के चरणों का आशीर्वाद मंगया। और महामाई तो असी यही सारे भगत जन कामना करते हैं जगदंबा इदा ही साढ़े सारे भगतों के मनों के जोड़ा भाव है थोड़े तो चरणों के निमित्त वो इदा ही शुद्ध और निर्मल रहन और आप जी का जोड़ा आशीर्वाद है ये सानू मिलता रहे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि माँ बगलामुखी धाम च हर वीरवार को निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आप भी आओ अपने मित्रगण संबंधियों के नाल पहुँच के इस निःशुल्क हवन यज्ञ का जोड़ा लाभ उठाओ और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय माँ बगलामुखी जी। जय ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਹਾਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਜੈ ਮਾਂ ਬੋਲੋ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਓ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਹਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਧਾਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ।